हाय फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो है। इस वीडियो में हम सवार है 12307 आप हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, और हम सोननगर जंक्शन से देरियन सोन तक की यात्रा पूरा करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये 1839 किलोमीटर की लंबी कॉरिडोर है जो पंजाब की लुधियाना से बंगाल की डानकुनी तक बिछाया जा रहा है। सोननगर से करीब 6 किलोमीटर गया की ओर छिरालिया तक काम लगभग पूरा हो चुका है। सोननगर जंक्शन से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक ब्रांच बड़काखाना होते हुए टाटानगर और बोकारो तक भी बिछाया जा रहा है। सोननगर जंक्शन से सन 1902 में डाल्टनगंज तक एक लाइन बिछाया गया था जो बड़काखाना होकर टाटानगर, बोकारो और रांची के साथ जुड़ा हुआ है। सोननगर जंक्शन बिहार के औरंगाबाद जिला के अंतर्गत ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्वी मध्य रेलवे की हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कोर्ट सेक्शन में गया से करीब 80 किलोमीटर दूरी में सोन नदी के पूर्व प्रांत में अवस्थित है। सोननगर से करीब 6 किलोमीटर दूर सोन नदी के पश्चिम प्रांत में बिहार के रोहतास जिला के अंतर्गत देहरियन सोन बसा हुआ है। बंगाल के सीतारामपुर जंक्शन से धनबाद जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन, कोडरमा जंक्शन, गया जंक्शन होते हुए सोननगर जंक्शन तक ग्रैंड कोर्ट सेक्शन के ये 330 किलोमीटर लंबी लाइन डबल लाइन सेक्शन है, और सोननगर जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ग्रैंड कोर्ट सेक्शन की 125 किलोमीटर ट्रिपल लाइन सेक्शन है। सोन नदी के ऊपर ग्रैंड कोर्ट सेक्शन के सोननगर जंक्शन और देहरियन सोन के बीच नेहरू सेतु बना हुआ है जिसकी लंबाई 3.1 किलोमीटर है, और ये भारतीय रेल की एकमात्र ट्रिपल लाइन इलेक्ट्रिफाइड रेल ब्रिज है। ग्रैंड कोर्ट सेक्शन को पूरा करने के लिए सन 1900 में ये पुरानी ब्रिज बनाया गया था, तब ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज था। ये भी माना जाता है कि बनने के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी ब्रिज था। नेहरू सेतु के बाजू में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी सोन नदी के ऊपर 3.1 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया गया है।
देहरी। देहरी अंशोन बिहार के रोहतास जिला के अंतर्गत सोन नदी के पश्चिम किनारे बसा हुआ पुरानी शहर है और देहरी अंशोन के पास सोन नदी के ऊपर दुनिया की चौथी लंबी इंद्रपुरी बैरेज बनाया गया है, जिसके आधार पर बिहार की महत्वपूर्ण सोन कैनल सिस्टम देहरी अंशोन से शुरू हुआ है। 2020 की स्वच्छ सर्वेक्षण के मुताबिक देहरी डालमिया नगर परिषद को बिहार के सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। देहरी अंशोन देश की हर प्रांत से सड़क और रेल से जुड़ा हुआ है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जातीय सड़क 19 देहरी से गुजरता है और हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कोर्ट सेक्शन के ऊपर देहरी अंशोन स्टेशन बसा हुआ है। देहरी अंशोन को बिहार की सैंड कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के बालू बहुत प्रसिद्ध है। श्री रामकृष्ण डालमिया सन 1930 के दशक में रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की थी, जिसके चलते 1933 में यहाँ पे पहला फैक्ट्री बना जो शुगर फैक्ट्री था। फिर 1937 में सीमेंट फैक्ट्री, 1938 में पेपर फैक्ट्री, 1944 में एस्बेस्टस फैक्ट्री और 1964 में साबुन की फैक्ट्री बना था। इसलिए देहरी अंशोन को इंडस्ट्रियल टाउन के हिसाब से भी जाना जाता है। हाल ही में देहरी से करीब 30 किलोमीटर दूर एनटीपीसी की नवीनगर पावर जनरेशन कॉरपोरेशन पावर प्लांट बनाया गया है, जहां पे 607 मेगावाट की 3 बिजली यूनिट्स है। और देहरी से करीब 45 किलोमीटर दूरी में एनटीपीसी के साथ भारतीय रेल की जॉइंट वेंचर बीआरवीसीएल पावर प्लांट बना हुआ है, जहां पे 250 मेगावाट की 4 यूनिट्स है। ये दोनों नया प्रोजेक्ट्स लगभग पूरा हो चुका है, जिसके आधार पर देहरी अंशोन की गरिमा आगे से और बढ़ गया। वन टू थ्री जीरो सेवन आप हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से रात 11:25 मिनट में चलकर करीब 554 किलोमीटर पार करके अगले दिन सुबह 7:35 मिनट में देहरी अंशोन स्टेशन पहुंचती है।